सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ का संबोधन इस समय चल रहा है। शेयर करके इन्होंने इस प्रकार के खड़यंत्रों को आज अंजाम देना प्रारंभ किया है कि पूरा समाज एक दूसरे को दुश्मनी भरी निगाहों से देखने की स्थिति में पैदा हो। इस प्रकार के खड़यंत्र लगातार कर रहे हैं, इसलिए इनसे सावधान बनने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है जिन्होंने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करके एक विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ जुड़ना हम सब नागरिकों का दायित्व तो बनता है। और इस दायित्व के साथ आपको जोड़ने के लिए आज उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कि डबल इंजन की सरकार है, आपके हितों को हर प्रकार का संरक्षण देगी, आपके हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। हम हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, आधी आबादी बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। लेकिन हमें भी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए और ये ताकत हमारी है एकजुटता का, एकता का एहसास। और उस एकता के एहसास के माध्यम से हम अपनी ताकत के माध्यम से, अपने पौरुष और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपने आप को साबित करके भारत को एक बार फिर से विकसित भारत की परिकल्पना के लिए विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के इन संकल्पों के साथ जुड़ करके हम कार्य करेंगे। तो इसमें न केवल ओबीसी समाज की बल्कि सर्व समाज की, और सर्व समाज के माध्यम से भारत के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी का, प्रभारी श्री राम प्रताप सिंह चौहान जी का, ओबीसी मोर्चा के अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय महामंत्री श्री संगम लाल गुप्ता जी समेत आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक आप लोगों ने लखनऊ में की और विधानसभा सत्र के दौरान पहले ही दिन कर दी, क्योंकि हम लोगों का समय था बिजनेस विधानसभा का 4 बजे के पहले संपन्न हो जाना था। और इसीलिए मैंने आग्रह किया था कि मैं 4 बजे आ पाऊंगा।